The pressure to sedentarize was greater in the new areas of Mongol domicile. ये जो प्रेशर था कि नए इलाके जो मंगोल डोमिसाइल में आते थे, मंगोल के संरक्षण में आते थे, उनको जो है अब सेटल करना एक तरह से काफी दबाव भर था, वाला था उनके लिए. एरियाज डिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेपी हैबिटेट्स ऑफ नोमैड्स, क्योंकि ये जो एरियाज थे जो ओरिजिनल उन लोगों के हैबिटेट रहे थे जहां पर ये लोग रहते थे नोमैड स्टेपीज में, वहां से ये थोड़ी सी दूरी पर थे. बाय द मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी द सेंस ऑफ अ कॉमन पैट्रिमोनी शेयर्ड बाय ऑल ब्रदर्स वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय इंडिविजुअल डायनेस्टीज each ruling their separate kulus. 13th सेंचुरी की मध्य तक आते आते ये जो था कि जो विरासत में जो भी संपत्ति मिलती है उसे कॉमनली सारे ब्रदर्स शेयर करेंगे, अब उसको रिप्लेस कर लिया गया था क्योंकि सब लोग जो है इंडिविजुअल डायनेस्टीज को रूल कर रहे थे जो कि उनके अपने उलूस में आती थी, यानी अपना उलूस वो लोग जो है रूल कर रहे थे. उलूस क्या थी? अ टर्म विच नाउ कैरीड द सेंस ऑफ अ टेरिटोरियल डोमिनियन. अब उलूस का मतलब ये हो गया था कि जो भी उनके टेरिटोरियल डोमिनियन में आता है, जो भी उनके संरक्षण में आता है टेरिटरी के अंदर, अब वो लोग जो है उसको रूल करेंगे. दिस वॉज इन पार्ट अ रिजल्ट ऑफ सक्सेशन स्ट्रगल्स वेयर जंगीज खान डिसेंडेंट्स कम्पीटेड फॉर द ऑफिस ऑफ ग्रेट खान एंड प्राइज पेस्टोरियल रेंट्स. ये किस वजह से हुआ था? क्योंकि अभी तक जितने भी स्ट्रगल्स करे गए जीतने के लिए, यानी जो भी जमीनें जो भी राज्य वगैरह जीते गए, उसकी वजह से जो जंगीज खान के डिसेंडेंट्स थे यानी जो वंशज थे, अब उनका क्या हो रहा था कि वो जो खान थे उनके ऑफिस के लिए और जो जीती हुई लैंड्स थी उनके लिए आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे थे. Descendants of Tolui had come to rule both China and Iran, where they had formed the Yuan and the Ilkhanid dynasties. अब जो टोलुई डायनेस्टी के या टोलुई के वंशज थे उन लोगों ने क्या किया, चाइना और ईरान दोनों पे ही रूल किया और जहां पर उन्होंने युआन और इल्खानिद डायनेस्टीज बनाई. डिसेंडेंट्स ऑफ जोची फॉर्मड द गोल्डन होर्ड एंड रूल द रशियन स्टेपीज. जो डिसेंडेंट्स जोची के थे उन्होंने जो है एक गोल्डन होर्ड बनाया और रशियन स्टेपीज में रूल किया. चगताई सक्सेसर्स रूल द स्टेपीज ऑफ ट्रांसजोनिया एंड द लैंड्स ऑफ तुर्किस्तान टूडे. चगताई के सक्सेसर्स थे, उन्होंने क्या किया, जो ट्रांसजोनियाना की जो क्या कहते हैं स्टेपीज थी उनको वहां पर रूल किया, साथ ही साथ उस जमीन पे भी रूल किया जो आज तुर्किस्तान कहलाती है. Noticeably, nomadic traditions persisted longest among the steppe dwellers in Central Asia and Russia. तो इससे एक बात साबित होती है कि ये जो भी nomadic traditions थे ये काफी लंबे समय तक रहे इन steppe dwellers के पास, जैसे सेंट्रल एशिया में और रशिया में, क्योंकि सेंट्रल एशिया में चगताई के descendants थे और रशिया में गोल्डन होर्ड था. The gradual separation of the descendants of the Genghis Khan into separate lineage groups implied that their connections with the memory and the tradition of the past life concordance also altered. अब ये जो सेपरेशन हो रहा था कि जो जंगीज खान के थे उनके वंशज जो हैं अब आगे चल के अलग होते जा रहे थे, अलग अलग ग्रुप्स बना रहे थे, तो उससे ये पता चलता है कि जो भी पहले की फैमिली थी, जो पहले की फैमिली का एक आपस का जो रिलेशन था, एक कनेक्शन था जो मेमोरीज के थ्रू या ट्रेडिशंस के थ्रू, अब उसमें भी काफी बदलाव आ रहा था. एट एन ऑब्वियस लेवल दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग्स द कजन क्लैंस एंड हियर द टोलुई ब्रांच वर मोर अडेप्ट इन प्रेजेंटिंग their version of family disagreements in the histories produced under their patronage. अब इससे एक बात और चीज क्लियर होती है कि ये जो कॉम्पिटिशन हो रहा था कजन्स के बीच में, कजन्स का जो कुनबा है उनके बीच में ये जो कॉम्पिटिशन हो रहा था, और हुआ क्या कि यहाँ पर जो टोली थे वो लोग कहीं ज्यादा स्किलफुल रहे कि अपना जो उनका एक विजन था, ये जो उनका वर्जन होना चाहिए उसको दर्शाने में कि फैमिली जो डिसएग्रीमेंट्स रहे हिस्ट्रीज में उसमें उन्होंने जो है ज्यादा अच्छे तरीके से जो है अपना संरक्षण जो है वो दिखाया. टू अ लार्ज एक्सटेंट दिस वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर कंट्रोल ऑफ चाइना एंड ईरान एंड अ लार्ज नंबर ऑफ लिटराती दैट इट्स फैमिली मेंबर्स कुड रिक्रूट. अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा था, इसी वजह से इन्होंने जो है चाइना और ईरान पे कब्जा भी कर लिया था, जैसे वो दर्शा रहे थे कि भाई हम जो है फैमिली डिसएग्रीमेंट से, जो भी हमारी हिस्ट्री में फैमिली डिसएग्रीमेंट रहे हैं उसको हम कैसे दर्शा रहे हैं कि देखो हम तुमसे कहीं ज्यादा काबिल हैं, कि हमने जो है कॉन्कर किया है चाइना और ईरान को, उस पर हमारा कंट्रोल है. साथ ही साथ जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो जो है क्या कर रहे थे, जो जितने पढ़े लिखे लोग थे उनको ज्यादा रिक्रूट कर रहे थे. At a more sophisticated level, the disengagement with the past also meant underlining the merits of the regnant rulers as contrast to other the past monarchs. अब दूसरे तरीके से कहें या sophisticated way में अगर बात करें
तो जो भी ये पास से डिसएंगेजमेंट हो रहा था, ये जो एक तरह से रिलेशन खत्म कर रहे थे या कम होता जा रहा था, इसका मतलब ये भी था कि जो अब तक के रूलर्स जो है राज कर चुके थे, उनकी जो भी अच्छाइयाँ होंगी, जो भी उन्होंने अच्छे काम किए होंगे, उनको आप एक तरह से रेखांकित कर रहे थे कंपेयर करके। दिस एक्सरसाइज इन कंपेरिजन डिड नॉट एक्सक्लूड जंगीज खान हिमसेल्फ। और इसमें क्या हुआ, जंगीज खान जो है उनके से भी जो है कंपेरिजन बच नहीं पाया। पर्शियन क्रॉनिकल्स प्रोड्यूस्ड इन इल खानित ईरान ड्यूरिंग द लेट 13th सेंचुरी डिटेल्ड द ग्लोरी किलिंग्स ऑफ द ग्रेट खान एंड ग्रेटली एग्जैजरेटेड द नंबर्स किल्ड। अब जो पर्शियन स्कॉलर क्रॉनिकल्स थे, जिन्होंने भी लिखा है इन खालिद ने ईरान के टाइम पे जब वो लोग जो हैं राज कर रहे थे 13th सेंचुरी में, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो ग्रेट खान थे इनकी किस तरह से जो है किलिंग्स होती थी, कितना लोगों को मारते थे, साथ ही साथ जो है जो नंबर्स होते थे उनको भी बढ़ा चढ़ा के बताया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इन कॉन्ट्रास्ट टू द एन आई विटनेस रिपोर्ट दैट 400 सोल्जर्स डिफेंडेड द सिटेडल ऑफ बुखारा, एन इल खानिद क्रॉनिकल रिपोर्टेड दैट 30,000 सोल्जर्स वर किल्ड इन द अटैक ऑन द सिटेडल। एग्जाम्पल के लिए अगर कंपैरिजन करें तो एक आई विटनेस रिपोर्ट जो है कहती है कि लगभग 400 सोल्जर्स जो थे उन्होंने बुखारा का जो सिटेडल था उसको बचाने की कोशिश करी। वहीं पे जो इल खानिद के क्रॉनिकल हैं वो ये रिपोर्ट लिखते हैं कि लगभग 30,000 सोल्जर्स के करीब जो है सिटेडल पर जो अटैक हुआ उसमें मारे गए। ऑल्दो इल खानिद रिपोर्ट्स स्टिल यूजुलाइज जंगीज खान, दे ऑल्सो कैरीड अ स्टेटमेंट ऑफ रिलीफ दैट टाइम हैड चेंज एंड द ग्रेट किलिंग्स ऑफ द पास्ट वर ओवर। अब जहाँ एक तरफ इल खानिद की रिपोर्ट जो है वो अभी भी जंगीज खान की तारीफ करती है, वहीं वो साथ में एक ऐसा स्टेटमेंट भी बताती है कि अब समय बदल चुका है और ये जो इतना ज्यादा पहले किलिंग्स होती थी वो समय अब खत्म हो रहा है या वो दौर खत्म हो गया है। द जंगीज खानिद लेगेसी वॉज इम्पोर्टेंट। जहाँ एक तरफ जंगीज खान जो थे उनकी जो वसीयत थी वो काफी इम्पोर्टेंट थी, काफी मायने रखती थी, बट फॉर हिज डिसेंडेंट्स टू अपीयर एज कन्विंसिंग हीरोज टू अ सेडेंटरी ऑडियंस, दे कुड नो लॉन्गर अपीयर इन क्वाइट द सेम वे एज देयर एंसेस्टर। लेकिन वो जो उनके आगे के वंशज थे, अब वो जो है एक तरह से हीरोज की फॉर्म में अपने आप को दिखाना चाहते थे, वो जो सेटल्ड ऑडियंस थी उसके सामने वो ये नहीं चाहते थे कि बिल्कुल वो वैसे नजर आए जैसे कि उनके एंसेस्टर्स यानी पुरखे थे। Following the research of David Island, recent work on the Yasa, the code of law that Genghis Khan was supposed to have promulgated at Kurultai of 1206 has elaborated on the complex ways in which the memory of the great Khan was fashioned by his successors. अगर हम डेविड आइलैंड जो है उनकी रिसर्च को माने या उनकी रिसर्च को फॉलो करें, तो जो भी रिसेंट वर्क हुआ है यासा पे, एक कोड ऑफ लॉ जो जंगीज खान के ऊपर थी वो ये बताती है कि जंगीज खान उनको जो है उनके बारे में एक कोड ऑफ लॉ को जो है वो प्रोमिलगेट होना था, प्रकाशित होना था कुरिलताई पे 1206 में, जिसमें बताया जाता कि किस तरीके से जटिल तरीकों से जंगीज खान जो है उनको दर्शाया गया था अपने उनके सक्सेसर्स के द्वारा। यानी कि जो कोड ऑफ लॉ थी उसमें ये बताते कि जंगीज खान जो है उनकी जो भी उन्होंने काम किए होंगे, जो भी उन्होंने यादें रही होंगी उन ग्रेट खान की, वो जो है किस जटिल तरीके से उनके सक्सेसर्स ने जो है दर्शाया है या पब्लिसाइज किया है। इन इट्स अर्लीस्ट फॉर्मुलेशन द टर्म वाज रिटन एज यासा व्हिच मेंट लॉ। शुरू जो उसका बनाया गया इस टर्म को, यानी कि ये जो उसका शुरुआत करी गई, तो टर्म जो है लिखी गई थी यासाक, यानी कि जिसका मतलब हुआ लॉ, डिक्री और ऑर्डर, यानी कि हम जो भी कोई ऑर्डर मानते हैं या लॉ मानते हैं। इंडीड द फ्यू डिटेल्स दैट वी पोसेस अबाउट द यासाक कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, पर हमारे पास जो कुछ डिटेल्स हैं इस यासाक से रिलेटेड वो बताते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस के बारे में। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हंट, द आर्मी एंड द पोस्टल सिस्टम, उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है हंट की वो आती थी, आर्मी आ गई, पोस्टल सिस्टम आ गया। By the middle of the 13th century, however, the Mongols had started using the related term Yasa in more general sense to mean the legal code of Genghis Khan. 13th century के मध्य तक आते आते जो Mongols थे, अब उन्होंने Yasa जो term था इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था, इस मतलब से कि ये जो है Genghis Khan का legal code है, मतलब कि अगर Yasa कोई है तो वो Genghis Khan के दिया हुआ कोई legal order है।
We may be able to understand the changes in the meaning of the term if we take a look at some of the other developments that occurred at the same time. हम ये जो term है इसका meaning ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं या जो भी इसके अंदर बदलाव हुए हैं उनका मतलब समझ सकते हैं अगर उस समय जो और बाकी developments हुए उनके बारे में अगर हम जाने तो हमें समझ में आएगा कि इस term का जो meaning है वो कैसे change हुआ. By the middle of the 13th century, the Mongols had emerged as a unified people and just created the largest empire the world has ever seen. 13th century के मध्य तक आते आते Mongols जो हैं, अब वो एक जैसे कहती है वो एक ताकत बनकर उभर रहे थे और जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी एम्पायर बन गई थी कि दुनिया ने शायद ही पहले कभी देखी हो. They ruled over very sophisticated urban societies with their respective histories, cultures and laws. ये उन अर्बन सोसाइटीज के ऊपर राज कर रहे थे जिनकी अपनी बहुत अच्छी एक इतिहास रहा था, जिनके अपने कल्चर्स थे या अपनी लॉज थी. Although the Mongols dominated the region politically, they were a numerical minority. अब ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकली अगर बात करें, राजनीतिक तौर पे बात करें, तो मंगोल्स का जो है शासन हो गया था, यानी अधिकार हो गया था, वो जताते भी थे पॉलिटिकली उस रीजन पे अपना अधिकार बताते थे, लेकिन तब भी वो जो है संख्या में कम थे, न्यूमेरिकल माइनॉरिटी थे, यानी वो संख्या में कम थे. द वन वे इन विच दे कुड प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस वाज थ्रू अ क्लेम टू अ सीक्रेट लॉ गिवन टू देम बाय देयर एंसेस्टर. एक ही तरीका था जिससे वो अपनी पहचान को या अपने आप को अलग बता सकते थे वो या अपनी उसको बचा सकते थे, वो ये था कि उस सेक्रेड लॉ का जिक्र करें जो उनके पुरखे उनको देके गए हैं. द यासा वॉज इन ऑल प्रोबेबिलिटी अ कंपाइलेशन ऑफ द कस्टमरी ट्रेडिशन ऑफ द मंगोल ट्राइब्स बट इन रेफरिंग टू इट एज जंगीज खान्स कोड ऑफ लॉ द मंगोल पीपल हैड ऑल्सो लेड क्लेम टू अ लॉ गिवर लाइक मोसेस एंड सोलमन whose authoritative code could be imposed on their subjects. अब यासा क्या था उनके लिए? यासा जो है जो भी एक तरह से कह सकते हैं कंपाइलेशन मान सकते हैं जो भी अभी तक के उनके रीति रिवाज रहे थे उसका एक कंपाइलेशन था, एक पूरा एक में बना दिए गए थे मंगोल ट्राइब्स की जो भी अभी तक ट्रेडिशन चला आ रहा था. लेकिन यहाँ पर यासा का टर्म कैसे रिफर कर रहे हैं कि जंगीज खान की जो कोड ऑफ लॉ थी ये वो माना गया है कि जो भी जंगीज खान ने ऑर्डर दे दिया वो यासा हो गया. तो जो मंगोल पीपल थे वो एक तरह से क्लेम करने लग गए लॉ गिवर की तरह, जैसे मोसेस थे, सोलमन थे, कि उनका जो भी एक कोड है, जो भी अथॉरिटेटिव कोड है, यानी ये जो लीगल कोड है, इसको जो है अपनी जो जनता है उस पर लागू किया जाएगा. भाई अपनी वो पहचान कैसे बचा पाते, जनसंख्या में वो लोग कम थे तो कुछ तो उनके पास एक ऐसा होना चाहिए जिससे वो अपना हक जमा सके. तो उन्होंने माना कि ये जो यासा है ये जंगीज खान का कोड ऑफ लॉ है और इसको जो है हमें ऐसा कोड है, अथॉरिटेटिव कोड है जो हमें अपनी जनता पे लागू करना चाहिए. द यासा सर्व टू कोहर द मंगोल पीपल अराउंड अ बॉडी ऑफ शेयर्ड बिलीव्स. इट एक्नॉलेज्ड देयर एफिनिटी टू जंगीज खान एंड हिज डिसेंडेंट्स एंड इवन एज दे अब्सॉर्ब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल गिव देम द कॉन्फिडेंस टू रिटेन देयर एथनिक आइडेंटिटी and impose their law upon their defeated subjects. अब ये जो यासा था ये किस तरह से काम कर रहा था कि जितने भी मंगोल लोग थे उनको एकजुट करने में एक ऐसी बॉडी के अराउंड जो कि शेयर्ड बिलीफ पर बनी हुई है, यानी कि सब लोग अलग अलग तरीके की बिलीफ को जो है एक दूसरे से शेयर करते हैं, विश्वास को शेयर करते हैं, उस पर ये बनी हुई है और मंगोल पीपल जो है वो इसके जैसे चारों तरफ एकजुट हो गए हैं. इट एक्नॉलेज देयर एफिनिटी टू जंगीज खान. इससे क्या हुआ, उनकी जो एक लॉयल्टी थी जंगीज खान की तरफ वो दर्शाई जाती है उनके डिसेंडेंट्स के प्रति, और यहाँ तक कि उन्होंने जो है एब्जॉर्ब कर लिया था अलग अलग एस्पेक्ट्स जो कि उस वहाँ की सेटल्ड लाइफस्टाइल के थे. उससे उनको कॉन्फिडेंस मिला कि वो जो अपने पहचान है उसको भी क्या कहते हैं बचा पाएंगे, साथ ही साथ जो है जो हारे हुए लोग हैं उनके ऊपर अपनी ये जो लॉ है उसको लागू कर पाएंगे. It was an extremely empowering ideology, and although Genghis Khan may not have planned such a legal code, it was certainly inspired by his vision and was vital in the construction of the Mongol universal dominion. अब ये एक ऐसी आइडियोलॉजी थी, एक ऐसी विचारधारा थी जो काफी फोर्सफुल थी. साथ ही साथ जंगीज खान ने हो सकता है कभी जब ये लीगल कोड बनाया था तो उस तरीके से ना प्लान किया हो, लेकिन आज की डेट में कह सकते हैं कि उनका वो जो विजन रहा होगा वो जो है इतना ज्यादा परफेक्ट था कि वो जो है मंगोल यूनिवर्सल जो डोमिनियन बनी, एक ये पूरा साम्राज्य बना, उसके लिए काफी प्रभावशाली रहा.
Yasa, in 1221, after the conquest of Bukhara, Genghis Khan had assembled the rich Muslim residents at the festival ground and had admonished them. 1221 में जब बुखारा को जीत लिया गया, उसके बाद चंगेज खान ने जितने भी रिच मुस्लिम रेजिडेंट्स थे उन सबको इकट्ठा किया फेस्टिवल ग्राउंड पे और वहाँ उन सबको जो है एक तरह से डांटा. He called them sinners and warned them to compensate for their sins by parting with their hidden wealth. अब उन्होंने सबको जो है कहा कि तुम सब जो हो पापी हो और यहाँ तक उनको जो है आगाह किया, कहने की धमकी दी कि तुम लोग जो है ये जो तुमने पाप किए हैं इनसे छुटकारा पा सकते हो या कम कर सकते हो अगर तुम्हारी जो छुपी हुई वेल्थ है उसको जो है तुम शेयर कर लो या दूर हट जाओ उससे. द एपिसोड वॉज ड्रामेटिक इनफ टू बी पेंटेड एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड पीपल स्टिल रिमेम्बर द इंसिडेंट. ये जो एपिसोड था इसको हम कह सकते हैं काफी नाटकीय था, अगर इसको दर्शाएं तो ये काफी नाटकीय हो सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक ही उसके बाद लोग जो हैं इस इंसिडेंट को याद रखे हैं. इन द लेट 16th सेंचुरी अब्दुल्ला खान अ डिस्टेंट डिसेंडेंट ऑफ जोची जंगीज खान्स एल्डेस्ट सन वेंट टू द सेम फेस्टिवल ग्राउंड इन बुखारा. फिर बाद में 16th सेंचुरी के आखिर में अब्दुल्ला खान जो कि एक दूर के वंशज थे जोची के, यानी कि चंगेज खान के बड़े लड़के थे उनके दूर के वंशज थे, वो उसी फेस्टिवल ग्राउंड पे गए बुखारा में. अनलाइक चंगेज खान हाउएवर अब्दुल्ला खान वेंट टू परफॉर्म हिज हॉलीडे प्रेयर्स डे. अब चंगेज खान के जैसे नहीं अब्दुल्ला खान वहां जाकर अपनी जो हॉलीडे की प्रेयर्स होती थी वो कहाँ करते थे. His chronicler Hafiz Etanish reported this performance of Muslim piety by his master and including the surprising comment, this was according to the Yasa of Genghis Khan. उनके जो chronicler हैं Hafiz Etanish, उन्होंने जो है report करी कि इनका ये जो performance है जो एक तरह से जो उनकी धर्म निष्ठा है उनके master द्वारा वो जो करते हैं उसमें जो है एक तरह से इन्होंने ये बता दिया कि ये जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं ये वो एक धार्मिक संबंधी उससे परफॉर्म करते हैं, और उसमें उन्होंने एक कमेंट भी डाल दिया कि ये जो है बिल्कुल अकॉर्डिंग जैसा यासा का था, चंगेज खान का जो यासा था उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली करते हैं.